बुजुर्गों, माए और बहने, आज देखकर आप हजरात को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आंदोलन हमारा हक है। तकरीबन हम यहाँ 25-26 साल से रह रहे हैं और मैं इस रोड को बनते हुए सिर्फ एक मर्तबा मैंने देखा है। 25-26 साल में सिर्फ एक मर्तबा रोड बना है, और वो भी किस बहाने, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे तब बना था। आप लोगों को पता होगा, उस वक्त मैंने, हम लोगों ने भी देखा है। उसके बाद से लेकर अब तक ये रोड नहीं बन सका है। सरकार इस सिलसिले में वो बतलाए कि आखिर इस रोड से उन्हें क्या दुश्मनी है। इस रोड से सभी लोग गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक लोग इससे गुजरते हैं। और जो लोग भी गुजरते हैं वो इस रोड से जो गुजरते होंगे वो दुआ देते हुए नहीं जाते हैं सरकार को, हमेशा उनके लिए बद्दुआएं करते हैं, हमेशा उनको गाली सुननी पड़ती है। इसलिए सरकार से आग्रह है, हमारी आवाज सिर्फ DM और SP तक नहीं पहुंचे बल्कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार तक, उन तक ये मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। और ये आवाज आज से नहीं लगाई जा रही है, तकरीबन 15-20 साल से आवाज लगाई जा रही है, एक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी और आपकी। 15-20 साल से आप आवाज लगा रहे हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से लोग, हमारे नौजवान, हमारे हर तबका के लोग, हर लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए लोग तैयार नहीं। नाला यहाँ का इतना खराब है, आप देख लीजिए, पूरे मुंगेर का रोड अगर खराब है तो सबसे ज्यादा रोड खराब इस खानकाह रहमानी का जो रोड है ये खराब है। ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे किस तकलीफ और परेशानी से स्कूल जाते हैं। और सरकार ये कहती है कि हम जो है स्कूल वालों बच्चों के लिए सुविधा दे रहे हैं, ये क्या सुविधा है? ये तो हमारे बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए सुविधा से जा रहे हैं, ये तो परेशानी और मुश्किल से जा रहे हैं, अपने आप अपने जान को जोखिम में डाल करके स्कूल जा रहे हैं वो। और आए दिन यहाँ पर से हादसा होते रहते हैं, कभी किसी का पांव टूट गया, कभी किसी की गाड़ी कलट गई। और जब से शिविर वाला काम हो रहा, मैं एक बात आपको बता दूं, जब शिविर का काम शुरू हुआ तो सबसे लगता है कि सबसे पहला काम खानकाह रहमानी के रोड से किया गया, सबसे पहला काम। और भी जगह पे शिविर का काम हुआ है, वहां रोड चकाचक बन गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे पहला काम यहां से शुरू किया गया लेकिन आज तक रोड नहीं बन सका। ये जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी यहाँ के जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो हमारे DM साहब हैं, SP साहब, वो लोग भी गुजरते हैं, कभी तो कान धरना चाहिए। आप अगर एक कलम चला करके मुख्यमंत्री को लिख के दे देंगे तो आपकी आवाज पहुंच जाएगी। अगर आप ये कह देंगे कि यहाँ का रोड बनना चाहिए, आप कर सकते हैं ऐसा। जब कोई नेता आता है, केंद्रीय मंत्री कोई आ जाए, मुख्यमंत्री खुद आ जाए, तो रातों रात रोड बन जाता है। कैसे बन जाता है, कैसे सब बिल पास हो जाता है आपका? और आपकी जो सरकार है वो आवामी सरकार है, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आवाम ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज तक आप रोड नहीं बना सके। आप अच्छे अच्छे रोड पर घूमते हैं लेकिन यहाँ की आवाम गड्ढे में घूम रही है। बहुत 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 सोचने वाली बात है। इसलिए सरकार को चाहिए कि आवाज अगर पहुंच रही है तो अगर आप इशारा देंगे, अगर सरकार जो हुकूमत में बैठी हुई है अगर वो इशारा देगी तो रातों रात रोड बन सकता है। इसलिए हमारी मांग ये है कि 24 घंटे के अंदर इस रोड को बनाना चाहिए।